मैं ज्ञानेश पांडे, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय जूबली इंटर कॉलेज गोरखपुर, कक्षा 11वीं के आप सभी छात्रों का भौतिक विज्ञान की इस वीडियो ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम अध्याय कणों के निकाय तथा घूर्णी गति के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत हम कोणीय वेग तथा रेखीय वेग के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। बच्चों, आपको स्मरण होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र तथा द्रव्यमान केंद्र की गति के बारे में बताया था, तो उसी कड़ी में आइए आज हम कोणीय वेग तथा रेखीय वेग के बीच में संबंध स्थापित करने का प्रयास। बच्चों, हम जानते हैं कि किसी दृढ़ पिंड के किसी स्थिर अक्ष के परतः घूर्णन गति में पिंड का प्रत्येक कण एक वृत्तीय पथ पर गति करने लगता है और सभी वृत्तों का केंद्र उस घूर्णन अक्ष पर ही स्थित होता है। तो इस चित्र में घूर्णन गति को प्रदर्शित किया गया है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि घूर्णन गति कर रहे कण P के रेखीय वेग वेक्टर को वेक्टर B के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। रेखीय वेग वेक्टर V की दिशा कण P पर खींचे गए स्पर्श रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो अब यदि हम ये मान रहे हैं कि डेल्टा T समय के बाद कण की स्थिति P से P डैश हो जा रही है, तो यहाँ पर कोण PCP डैश कण P के कोणीय विस्थापन को प्रदर्शित करेगा। डेल्टा T समय में कण का औसत कोणीय वेग डेल्टा थीटा बटा डेल्टा T से प्रदर्शित होगा और कण का तत्क्षणिक वेग d थीटा बटा dt से प्रदर्शित किया जाता है। इसे ओमेगा से दर्शाया जाता है और इसे तत्क्षणिक कोणीय वेग के नाम से हम लोग जानते हैं। आप जानते हैं कि वृत्तीय गति के लिए रेखीय वेग तथा कोणीय वेग के बीच में संबंध होता है v बराबर r ओमेगा। तो यदि इस समीकरण को हम जनरल फॉर्म में लिखें तो इसे कुछ हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अथवा वी आई बराबर ओमेगा आर आई। आई का मान एक से यन तक हो सकता है। तो इस प्रकार से कोणीय वेग तथा रेखीय वेग के बीच में संबंध को स्थापित किया जाता है। आप ये देख पा रहे हैं कि इस समीकरण में सभी कणों के कोणीय वेग को समान माना गया है। तो इस प्रकार से ओमेगा को हम पूरे पिंड का कोणीय वेग मान सकते हैं। अतः शुद्ध घूर्णी गति को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि शुद्ध घूर्णी गति कुछ इस प्रकार से होती है कि दिए गए क्षण पर पिंड के सभी कण समान कोणीय वेग से गति करते हैं और यदि ऐसा होता है तो उसे हम शुद्ध घूर्णी गति के रूप में जानते हैं। आइए जरा अब इस चित्र में हम देखने का प्रयास करें कि वेक्टर ओमेगा और वेक्टर आर के क्रॉस गुणन का मान कितने के बराबर प्राप्त हो पा रहा है। उसी चित्र को जरा सा हम और विस्तार देने की कड़ी में इसे यहां पर बनाकर आपको दिखाया गया है। जरा देखें इस चित्र में, ओ मूल बिंदु है और मूल बिंदु से जो कण P है उसके स्थित सदिश को वेक्टर R के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर R को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा ओमेगा क्रॉस, देखिए वेक्टर R को आप लिख सकते हैं वेक्टर B। अब जरा इसे आप देखें, यदि हम दो वेक्टरों को जोड़ने की त्रिभुज विधि का इस्तेमाल करें तो यहाँ से हम पाएंगे कि वेक्टर OP बराबर है किसके, वेक्टर CP और वेक्टर CO के सदिश योग के। तो ये हो जाएगा अथवा वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर R बराबर वेक्टर ओमेगा क्रॉस, ये समीकरण हो गया वेक्टर OC प्लस वेक्टर CP के।
और अब यदि हम इसे हल करें तो ये हो जाएगा अथवा वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर बराबर वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर ओसी प्लस वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर सी पी के। जरा यहाँ आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि वेक्टर ओमेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वेक्टर ओमेगा और वेक्टर ओसी की दिशा एक है, तो वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर ओसी ये बराबर हो जाएगा जीरो के, क्योंकि दोनों की दिशाएं एक दूसरे के अनुदिश हैं। और हमें मिल जाएगा अथवा वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर बराबर वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर सी पी। जरा आप सी पी को देखें तो वेक्टर सी पी का परिमाण है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है आर परपेंडिकुलर के द्वारा, तो इस वेक्टर का परिमाण हो जाएगा ओमेगा आर परपेंडिकुलर के। और यदि हम दिशा की बात करें तो वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर सीपी की दिशा वेक्टर ओमेगा के अभिलंबवत दिशा में होगा। तो यहां पर स्थिति कुछ इस प्रकार से बन रही है कि वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर सीपी की दिशा कण पी पर खींचे गए स्पर्श रेखा के दिशा के अनुदिश होगा। और ये स्थितियां बता रही हैं कि ये वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर सीपी कण के रेखीय वेग को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि कण का रेखीय वेग वेक्टर बी ये बराबर है वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर के, अर्थात रेखीय वेग वेक्टर बी बराबर है किसके, क्रॉस गुणन के। और ये क्रॉस गुणन किस में हो रहा है, वेक्टर ओमेगा और वेक्टर आर के बीच में हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार से रेखीय वेग वेक्टर तथा कोणीय वेग वेक्टर के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है। बच्चों इसी कड़ी में आइए अब हम देखें कि बल आघूर्ण क्या होता है। हम देखेंगे बल आघूर्ण क्या होता है। तो बल आघूर्ण की भूमिका घूर्णन गति में वही होती है जो बल की रेखीय गति में होता है। आप ये जान लें कि किसी बल का किसी अक्ष के परितः बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा पर खींची गई लंबवत दूरी के गुणनफल के द्वारा परिभाषित किया जाता है। आइए जरा इसे हम इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें। हम ये मान रहे हैं कि यह कोई घूर्णन अक्ष है और यह कोई पिंड है जो घूर्णन गति कर रहा है। अब यदि इस पिंड पर हम कुछ इस दिशा में बल आरोपित कर रहे हैं और इस बल के प्रभाव में यह घूर्णन गति प्रारंभ कर रहा है, तो इस बल की क्रिया रेखा को दर्शाने के लिए हमने इसे पीछे की ओर इस प्रकार से ट्रेस किया और इस घूर्णन अक्ष से इस पर एक लंबवत दूरी बना दिया। और इस लंबवत दूरी को हम कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं, आर से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो परिभाषा कहता है कि बल आघूर्ण हो जाएगा, बल आघूर्ण बराबर होगा बल गुणे लंबवत दूरी। इसे वेक्टर के रूप में हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, तो इसे हम लिखेंगे कि वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित किया जाता है और यह एक वेक्टर राशि ही होता है जैसा कि इस सूत्र से भी आप देख पा रहे हैं। अब इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं अथवा टाउ बराबर आर एफ साइन थीटा के हो जाएगा। आर वेक्टर आर का परिमाण है, एफ बल वेक्टर एफ का परिमाण है और थीटा वेक्टर आर और वेक्टर एफ के बीच बना हुआ कोण है।
बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर और बल आघूर्ण की बीमा होती है एम एल टू टी माइनस टू, अर्थात बल आघूर्ण की बीमा हुई द्रव्यमान में एक, लंबाई में दो तथा समय में। बच्चों आप ये जान लें कि यदि कोई बल आघूर्ण किसी पिंड को वामावर्त दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है तो सामान्यतः हम इसे धनात्मक मानते हैं, और यदि बल आघूर्ण किसी पिंड को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने का प्रवृत्ति रखता है तो सामान्यतः हम इसे ऋणात्मक मानते हैं। तो कुछ इस प्रकार से बल आघूर्ण को परिभाषित किया जाता है। और प्रारंभ में ही मैंने आपको बता दिया था कि घूर्णन गति में बल आघूर्ण की वही भूमिका होती है जो कि बल की रेखीय गति में होती है। आइए अब हम देखें कि कोणीय संवेग क्या होता है। कोणीय संवेग को अंग्रेजी में एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। आप ये जाने कि घूर्णन गति कर रहे किसी पिंड का कोणीय संवेग उसके सभी कणों के रेखीय संवेगों के आघूर्णों के योग के बराबर होता है, और इसे कैपिटल यल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो वेक्टर यल बराबर हो जाता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। यहाँ पर वेक्टर आर मूल बिंदु ओ के सापेक्ष सदिश वेक्टर है, और वेक्टर पी जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह रेखीय संवेग वेक्टर को प्रदर्शित करता है। तो इस समीकरण को हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अथवा वेक्टर यल बराबर हो जाएगा आर पी साइन थीटा के। आर वेक्टर आर का परिमाण है, पी वेक्टर पी का परिमाण है, और थीटा वेक्टर आर तथा वेक्टर पी के बीच बना कोण है। किसी भी निकाय के घूर्णी गति के मात्रा को उसके कोणीय संवेग के द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो यहीं पर आइए अब हम देखें कि इस सूत्र से क्या निष्कर्ष हम लोग निकाल पाते हैं। बच्चों इस समीकरण को यदि हम समय के सापेक्ष अवकलित कर दें तो हमें यह समीकरण कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि d वेक्टर यल बाई डी टी बराबर हो जाएगा d बाई डी टी वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p। इसे हम लोग कुछ इस प्रकार से हल कर सकते हैं, अथवा d बाई डी टी वेक्टर यल ये बराबर हो जाएगा वेक्टर p क्रॉस d बाई डी टी वेक्टर आर प्लस वेक्टर आर क्रॉस डी बाई डी टी वेक्टर पी। ध्यान दीजिएगा यहां पर डी आर बाई डी टी कण के रेखीय वेग वेक्टर को प्रदर्शित कर रहा है, अतः यह समीकरण हो जाएगा अथवा डी बाई डी टी वेक्टर यल ये बराबर हो गया यम v क्रॉस वेक्टर v के प्लस वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f। यहां पर रेखीय संवेग जैसा कि हम परिभाषा से जानते हैं द्रव्यमान और रेखीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है, तो वेक्टर p के स्थान पर रख दिया यंग इंटू वेक्टर v, और इसका क्रॉस गुणन लिया जा रहा है किसके साथ, वेक्टर v के साथ। चूंकि वेक्टर v और वेक्टर v एक दूसरे के अनुदिश हैं इसलिए इनका क्रॉस गुणन शून्य होगा, तथा वेक्टर dp बाई dt यह प्रदर्शित करता है पिंड पर लगने वाले बल, जैसा कि न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से हम जानते हैं कि रेखीय संवेग की परिवर्तन दर बल को परिभाषित करती है। अतः dp by dt के स्थान पर हमने वेक्टर f रख दिया है। तो इस प्रकार से इस समीकरण का स्वरूप कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि d by dt
वेक्टोरियल यह बराबर हो जाएगा 0 प्लस वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया है कि वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ यह बल या घूर्ण को परिभाषित करता है, अतः समीकरण का स्वरूप होगा डी बाई डी टी वेक्टोरियल यह बराबर हो जाएगा वेक्टर टाउ के। तो परिमाण के रूप में यदि हम इस समीकरण को लिखेंगे तो इसका स्वरूप कुछ इस प्रकार से होगा, अथवा डी एल बाई डी टी बराबर हो गया। तो इस प्रकार से हम यह देख पा रहे हैं कि कोणीय संवेग का समय के सापेक्ष परिवर्तन दर यह किसके बराबर है, उस निकाय पर लगने वाले बल या घूर्ण के बराबर है। तो इस प्रकार से हम इस समीकरण को परिभाषित कर पा रहे हैं। अब यदि निकाय स्मॉल यन कणों से मिलकर के बना हुआ है तो यल बराबर हो जाएगा एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री डॉट 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 एल एन। एल वन एल टू एल थ्री डॉट 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 एल एन क्रमशः पहले दूसरे तीसरे तथा इसी प्रकार से यनवे कण के कोणीय संवेग को प्रदर्शित कर। ये हम बराबर लिख सकते हैं, ये बराबर हो गया समेशन यल आई के, आई का मान एक से यन तक जा रहा है, तो इस समेशन के द्वारा भी इसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं, या इसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा समेशन आई बराबर वन टू एन आर आई वेक्टर आर आई क्रॉस वेक्टर पी आई के द्वारा भी इसको हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहीं पर यदि हम समीकरण को समय के सापेक्ष अवकलित कर दें, ये हो जाएगा अथवा डी एल बाई डी टी, डी एल बाई डी टी बराबर हो जाएगा डी बाई डी टी समेशन एल आई के, ये बराबर हो गया समेशन डी बाई डी टी एल आई, और इसे आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, अथवा डी एल बाई डी टी ये बराबर हो जाएगा समेशन समेशन डी एल आई बाई डी टी। यह मान जो आप देख रहे हैं यह किसके बराबर हो गया, टाउ आई के, और इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि यह बराबर हो गया किसके, टाउ के हो गया। कुल बल या गुण को हम टाउ से प्रदर्शित कर रहे हैं, परंतु किसी निकाय के लिए टाउ का मान अर्थात बल या गुण बराबर होता है टाउ एक्सटर्नल प्लस टाउ इंटरनल। निकाय के भीतर जो बल या गुण लग रहा है और निकाय के बाहर जो बल या गुण लग रहा है, अब इसकी संकल्पना को हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि निकाय के भीतर आंतरिक बल या गुण जो है वह शून्य के बराबर होगा। यह हम न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया नियम के आधार पर लिख पा रहे हैं। तो यदि हम टाउ इंटरनल को जीरो मानते हैं तो कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं समीकरण को, अथवा डी एल बाई डी टी यह बराबर हो जाएगा टाउ एक्सटर्नल। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट हो जा रही है कि किसी निकाय के कोणीय संवेग का समय के सापेक्ष परिवर्तन दर उस पर आरोपित बाह्य बल आघूर्णों के योग के बराबर होता है, जैसा कि इस समीकरण में प्रदर्शित किया गया है। अब यहीं से हम कोणीय संवेग संरक्षण के नियम को निगमित कर सकते हैं। आइए देखें कि क्या कहता है यह नियम। कोणीय कोणीय संवेग का नियम, जरा इस समीकरण में देखें, यदि हम ऐसा मानते हैं कि यदि टाउ एक्सटर्नल अर्थात समस्त बाह्य बल आघूर्णों का योग यह बराबर है शून्य के, तो डी एल बाई डी टी बराबर मिल गया जीरो के, और यहां से आप लिख सकते हैं अथवा डी एल बराबर जीरो अथवा एल बराबर
नियत, एल का मान नियत प्राप्त होता है। तो यह स्थितियां यह कहती हैं कि यदि किसी निकाय पर आरोपित समस्त बाह्य बल आघूर्णों का योग शून्य है तो उसका कुल कोणीय संवेग नियत होता है। ये कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने कोणीय संवेग संरक्षण के नियम को परिभाषित किया। बच्चों आइए जरा यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से हम आज के लेक्चर को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। आपको मैं एक प्रश्न दे रहा हूँ। प्रश्न कहता है कि किसी बल 7i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप के बल आघूर्ण को ज्ञात कीजिए और जिस कण पर यह बल लग रहा है उसकी स्थिति वेक्टर दी गई है, वेक्टर r बराबर i कैप माइनस j कैप प्लस। इस प्रकार से इसे परिभाषित किया गया। तो आज मैंने आपको बताया है बल आघूर्ण की परिभाषा, जो ये कहता है कि वेक्टर टाउ बराबर है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ के। तो हम इस सूत्र के आधार पर चले तो ये हो जाएगा वेक्टर टाउ बराबर एक डिटर्मिनेंट बना दिया इसे हल करने के लिए, आई कैप जे कैप के कैप 1 माइनस 1 1 और यहां हो गया 7 3 माइनस 1। इस डिटर्मिनेंट को जब आप हल करेंगे तो आपको उत्तर प्राप्त होगा वेक्टर टाउ बराबर 2 i कैप प्लस 12 j कैप प्लस 10। तो बच्चों इस प्रकार से यदि हमें बल वेक्टर और स्थिति वेक्टर पता हो तो हम बल आघूर्ण वेक्टर को प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों मुझे पूरी आशा है कि आज जिन टॉपिक्स को मैंने आपको बताने की कोशिश की है आप उसे आत्मसात कर पाए होंगे और साथ साथ आपने अपने नोट्स भी क्लियर कर लिए होंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही, लेकिन शेष जो आगे के लेक्चर्स में आपको प्रस्तुत करूंगा उसमें हम देखेंगे कि जड़त्व आघूर्ण क्या होता है और जो विभिन्न भौतिक राशियां जिनका रेखीय गति में कुछ स्वरूप है घूर्णन गति में वह किस स्वरूप के आधार पर परिभाषित किए जाते हैं। तो इन सिद्धांतों को हम अपने अगले लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।